जय गौ माता। दोस्तों, आज मैं राघवेंद्र यादव, थार पार्कर काउ क्लब एंड ब्रीडिंग सेंटर धानकिया जयपुर, आप सब किसान भाइयों को एक हरे चारे के महत्व के बारे में जानकारी देना चाहता हूं, जो हर किसान और हर गोपालक के काम की चीज़ है। हरा चारा हम लोग जो बोते हैं वो एक सीजनेबल चारा बोते हैं, जो कि हमारी प्रैक्टिस है वो गलत है। सभी किसान इसी तरीके से उसको मैनेज करते हैं। हमें हरा चारा बोना चाहिए जो बहुवर्षीय होता है और बहु कटिंग का होता है। हरे चारे में हम बाजरा, मक्का, रिंजका, इनको ही हम लोग नॉर्मली लेते हैं। हरे चारे के जो स्रोत हैं उसमें आपका नीम भी है, बबूल है, आपका करंज है, आप शीशम भी ले सकते हैं, आप अरडू भी ले सकते हैं, जितने भी हरे पेड़ हैं हमारे, नीम भी हम ले सकते हैं, सहतूत भी हम ले सकते हैं, सहजन जो जिसे औषधियों पेड़ों में औषधियों का गुरु कहा जाता है, वो भी एक बहुत अच्छा स्रोत है। इसी तरीके से हम सारे जो हरे चारे के पेड़ हैं वो हम लगा कर, इसके साथ साथ में नेपियार जो एक बहुत अच्छा सोर्स है हरे चारे का, वो भी हम लगाएं। इससे हमें सभी तरीके के न्यूट्रिशंस मिलेंगे और हमारी जो गायें हैं वो हेल्दी भी रहेंगी और उसको जो न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी मिलती रहेगी, तो हमारा जो दूध का क्वालिटी है वो भी हमें बहुत अच्छा मिलेगा। तो मेरा सभी से ये अनुरोध है कि आप हरे चारे की जितनी भी वैरायटी आप लगा सकते हैं, बहुवर्षीय और बहु कटिंग वाली, इससे आपको सबसे बड़ा फ़ायदा एडिशनल जो मिनरल मिक्सर वगैरह हैं वो नहीं देने पड़ेंगे या कम मात्रा में देने पड़ेंगे। आपका दूध की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी रहेगी, आपका जो गाय है वो भी स्वस्थ रहेगी और इसमें आपकी बचत भी होगी, पैसे की बचत भी होगी। ये हरा चारा अगर आपका जितना जो गाय है या कोई भैंस भी आप लोग पाल रहे हैं उसको जितना न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छा मिलेगा, उसके शरीर पर उतनी अच्छी चमक आएगी। तो हमने अभी हमारे फार्म पे करीब करीब 30 तरीके के हरे चारे हमने उगा रखे हैं, तो वो सारे हम काट कर कुट्टी के थ्रो चाफ कटर से और इसमें गायों को खिलाते हैं, तो उससे उनको जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो पूरा मिल जाता है। तो जैसे जैसे उसका न्यूट्रिशंस पूरा होता जाएगा वो अपने आप उसकी स्किन में चमक आती जाएगी। हरा चारा जो है उगाते हैं हम अपने फार्म पे, उसमें खाद के रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं आप? इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, साधारण से हमारे उपाय हैं। गाय का जो हमारा गोबर होता है उसको सड़ा के हम खाद के रूप में सबसे ज़्यादा मात्रा में उसको लेते हैं। उसके अलावा हमने एक पोंड बना रखा है, उसमें जो मछली है वो हमने उसमें रख रखी है, तो उसका जो मछली का वेस्ट है वो भी एक बहुत अच्छा खाद होता है, तो उसको भी हम काम में लेते हैं, जो सिंचाई के माध्यम से वो खाद हमारा उसमें चला जाता है। इसके अलावा गोमूत्र जो होता है उसको हम एक होद में इकट्ठा कर लेते हैं और सिंचाई के साथ में उसको भी हम दे देते हैं, तो वो एक यूरिया का बहुत अच्छा स्रोत है। ये बहुत साधारण से उपाय हैं जो हर किसान कर सकता है और उसमें कुछ एक्स्ट्रा लागत का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हम हरे चारे से अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं और अच्छी क्वालिटी का भी ले सकते हैं।